आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो फ्यूज़ की शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि वो कौन सा मटेरियल है फ्यूज़ वायर का जो जिसको हम आइडियल फ्यूज़ के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो सिल्वर जो बेसिकली मटेरियल है वो एक आइडियल फ्यूज़ के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज़ अच्छा वजह किया है, वजह क्या है इसकी कि इसको आइडियल हम कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन का जो एक प्रोसेस होता है वो बेसिकली ना होने के बराबर होता है। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या होता है? ऑक्सीडेशन बेसिकली होता है, आपने एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ बहुत आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा कि जो जालियाँ लगी होती हैं लोहे की, इसमें वक्त के साथ साथ जंग लगना शुरू हो जाता है अगर आप इन्वायरमेंट में ऐसी रखें, कोटिंग वगैरह ना करें। तो ये जो बेसिकली जंग लग रहा है ये बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट कर रही है और उसके जो गेज है उसकी मोटाई जो है वो कम होती जाती है और एक वक्त आता है कि वो जो जालियाँ होती हैं वो गल के ख़राब हो जाती हैं। तो ये सिल्वर के अंदर ये चीज़ नहीं होती, तो इसलिए इसको बेस्ट कहा गया। अच्छा जो सिल्वर फ्यूज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर फ्यूज जो है आइडियल फ्यूज है तो इसको कॉमनली क्यों यूज़ नहीं करते? सिंपल सी वजह है कि ये कॉस्टली होता है और इसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बार बार अगर मेल्ट हो जाएगा जो फ्यूज ओवर करंट पर या जिस पर भी, तो हम बार बार फ्यूज नहीं लगा सकते, बहुत महंगा पड़ेगा हमें। तीसरा है कि फ्यूजिंग करंट से क्या मुराद है? फ्यूजिंग करंट से मुराद ये कि वो मिनिमम करंट जिस पर जो है आपका जो फ्यूज का एलिमेंट है वो मेल्ट कर जाए वो बेसिकली फ्यूजिंग करंट कहलाता है। अच्छा फ्यूज रेटिंग ऑफ फ्यूज एलिमेंट से क्या मुराद है? वो सेफ वैल्यू यानी कि जिस पर आपका जो है फ्यूज एलिमेंट से करंट, फ्यूज वायर से जो है फ्यूज एलिमेंट जो लगाया हुआ है उससे करंट गुजरता रहे, मगर वो वायर ना तो हीट अप होना चाहिए और ना मेल्ट होना चाहिए। तो बेसिकली ये करंट रेटिंग होती है एक फ्यूज एलिमेंट की। अच्छा नेम फैक्टर रेशियो ऑफ, अच्छा ये नेम द फैक्टर विच इज द रेशियो ऑफ फ्यूजिंग करंट टू द रेटिंग ऑफ फ्यूजिंग एलिमेंट, यानी कि ये जो रेशो होता है बेसिकली इसको फ्यूजिंग फैक्टर कहा जाता है। किस किस का दो रेशो? फ्यूजिंग करंट का जो मैंने आपको सबसे पहले बताया, जो मिनिमम वैल्यू होती है जिस पर जो है करंट जो है वो फ्यूज जो है वो मेल्ट कर जाता है विद द रेटिंग टू द रेटिंग ऑफ फ्यूजिंग एलिमेंट, जो फ्यूजिंग एलिमेंट होती है जो सेफ वैल्यू होती है जिस पर मतलब वो मेल्ट नहीं होता यानी कि चलता रहता है, हीटअप भी नहीं होता, इन दोनों का जो रेशो होता है वो बेसिकली कहलाता है फ्यूजिंग फैक्टर। थैंक यू।